गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखेंगे, हमने ये देखा था कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका कॉन्जुगेट लेना है तो ऊपर 12 आ जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया ऑलरेडी ये कॉन्जुगेट है, ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट निकालना कॉम्प्लेक्स का, सॉरी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट दिया, उसका कॉन्जुगेट निकालना है, यानी इस तरीके से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है? ये ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। अब जो है तो देखो, ए प्लस आयोटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये आपका ए प्लस आयोटा बी, ये जो है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट है, यानी इफ कॉन्जुगेट नंबर इक्वल टू और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। क्या रहेगा? ये प्योरली रियल रहेगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। इफ अगर आपके पास ऐसा दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जेड इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जेड इज प्योरली प्योरली इमेजनरी। क्या रहेगा? ये प्योरली इमेजनरी रहेगा, ठीक है। एग्जांपल, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 5 आयोटा और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा? 5 माइनस आयोटा, यानी ये जो पार्ट रहेगा आपका, ये रहेगा प्योरली रियल और ये वाला पार्ट रहेगा प्योरली इमेजनरी, ठीक है। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर सपोज हम लेंगे जेड वन इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड जेड टू इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। अब इसमें क्या होगा? हम एडिशन करेंगे जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू, यानी क्या होगा? ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा ए और सी एक जगह आ जाएंगे, ए प्लस सी प्लस बी और डी एक जगह आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में जो तो कॉमन में हम आयोटा ले लेंगे। तो इस तरीके से जो तो इसका एडिशन हुआ, ठीक है, इस तरीके से इसका एडिशन होगा। अब इसके ये अपना फॉर्मूला, इसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल इक्वल टू, जैसे कि हम लेंगे जेड वन इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा एंड जेड टू इक्वल टू हम लोग लेंगे फोर प्लस थ्री आयोटा। हमने क्या बताया फॉर्मूले के हिसाब से? जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू क्या होगा? हम जो तो लिखेंगे टू प्लस थ्री आयोटा प्लस फोर प्लस थ्री आयोटा। अब यहाँ क्या करें? ए प्लस सी। अब आपका ये ए है और ये सी है, तो क्या होगा? टू प्लस फोर अनदर ब्रैकेट में, ये तो बी प्लस डी यानी थ्री प्लस फोर, क्या है, दोनों जगह थ्री थ्री आयोटा थ्री आयोटा, यानी क्या होगा? थ्री आयोटा प्लस थ्री आयोटा। अब यहाँ पे होगा टू प्लस फोर प्लस थ्री प्लस थ्री इन अनदर ब्रैकेट आयोटा टू प्लस सी फोर सिक्स, क्या होगा? सिक्स प्लस ये सिक्स आयोटा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रहेगा। ओके, अब हम जो है तो देखेंगे प्रॉपर्टीज। हमने पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखी, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहला कंसेप्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या होता है? अगर आपको दो नंबर की ऐड करते हैं और उनके ऑर्डर प्लेस हम अगर चेंज करते हैं तो वैल्यू में कोई बदल नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जेड वन प्लस जेड टू, ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एडिशन होने वाली है, एडिशन के साथ क्या होगा? ऑर्डर मतलब इनकी जो प्लेसेस वो चेंज होंगे। यहाँ पे जेड वन लेफ्ट साइड में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जेड टू,
और इसको इधर भेज दूंगा, यानी जेड वन। सिर्फ मैंने जो तो यहाँ पे क्या करा, प्लेस चेंज करे हमने, तो इससे कोई फर्क गिरेगा नहीं गिरने वाला। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे जेड वन यानी फाइव और जेड टू यानी टेन। फाइव और टेन कितना होता है, फिफ्टीन होता है। अगर मैंने टेन का प्लेस फाइव की जगह रखा और फाइव को मैंने टेन की जगह ले लिया, तो भी क्या आने वाला है, एडिशन उतनी रहेंगी, कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। ओके नेक्स्ट, उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सॉरी ये प्रॉपर्टीज कर दो इसको, मैं प्रॉपर्टी लिख दिया गलती से। एसोसिएटिव में क्या होता है, यहाँ पे जो तो थ्री नंबर आते हैं और उनके ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा, देखो जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। अब ये थ्री नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर वन, कॉम्प्लेक्स नंबर टू, कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री। इसके हमें क्या करना है, इसके अंदर जो है तो हमको इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करना है लास्ट ब्रैकेट में जेड टू प्लस जेड थ्री, हम इसको स्टार्ट के ब्रैकेट में ले लेंगे जेड वन प्लस जेड टू और इसको कर देंगे अलोन जेड थ्री। ओके अब हम यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल यानी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे लेंगे फाइव प्लस टेन प्लस टू इक्वल टू क्या होगा, ये जो है तो पहले ब्रैकेट में चल जाएगा फाइव प्लस टेन और रिमेनिंग टू आ जाएगा बाहर। ओके इस तरीके से। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जीरो ऐड करे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे कि फॉर्मूला बनेगा, पहले ये जेड वन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें मैंने जीरो ऐड कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे फाइव लिया और प्लस जीरो लिया तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो प्लस फाइव होगा, उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, कुछ चेंजेस उसके अंदर आने वाले नहीं है। अब हम जो तो लास्ट देखेंगे वेरीफाई नाम का, वेरीफाई। अब इसमें क्या होगा, अगर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करे तो उसका दो रियल पार्ट बचेगा, तो वो दो टाइम्स जो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट नंबर से। जैसे कि हम देखेंगे अभी कॉन्जुगेट नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ए प्लस आयोटा बी, अब ये प्लस कॉन्जुगेट यानी क्या, इसका माइनस हो जाएगा, यानी ए माइनस आयोटा बी, राइट। अब हमको जो है तो ये पता है, अगर हमने ए और ए का एडिशन करें तो टू ए मिलेगा, और प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी गेट ऑटोमेटिकली गेट कैंसल, प्लस माइनस इज माइनस, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टाइम कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने इससे पहले आपको पता है आर ऑफ जेड क्या रहता, रियल पार्ट रहता। ओके तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे रियल पार्ट मिलता, ठीक है। हम न्यू कंसेप्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर पर, कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर टू और इसका होल का जो तो हम कॉन्जुगेट लेंगे, क्या लेंगे कॉन्जुगेट, और इक्वल टू हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वन का कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसका जो तो हमको क्या निकालना है, सोल्यूशन, क्या निकालेंगे हम इसका सोल्यूशन, देखो कैसा निकलता है। अभी सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जेड वन प्लस जेड टू, अब इससे पहले हमने सॉल्व करे हुए हैं, जेड वन प्लस जेड टू क्या था, ए प्लस, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, देखो जेड वन प्लस जेड टू का हमने जब इससे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले तो क्या मिला हमको, जेड वन प्लस जेड टू का फाइनल कंक्लूजन ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, बाहर हमने आयोटा कॉमन लिया, डायरेक्टली ये वैल्यू में वहां पे पुट करने वाला, ठीक है। तो ए प्लस सी अनदर ब्रैकेट आयोटा बी प्लस डी, यानी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रहेगा। अब जो है तो हम लेंगे जेड प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट लेंगे, क्या लेंगे कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा ए प्लस सी, तो लेकिन ये जो माइनस रहेगा आयोटा के साथ, देखो प्लस का माइनस हो जाता तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा बी प्लस डी, ठीक है। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर वन। कॉन्जुगेट में ओनली आयोटा का साइन चेंज होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, ठीक है। अब हम जो है तो इसको अलग अलग कर देंगे, यानी
कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी एंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू इक्वल टू सी माइनस आयोटा डी। ओके अब क्या होगा, अब इसके बाद हम करेंगे जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू क्या होगा ए माइनस आयोटा बी प्लस सी माइनस आयोटा डी। राइट, ये जो वैल्यू है ऊपर की हमने इसके एडिशन में पुट करें। अब जो है तो हमको उसको सॉल्व करना है, ये ए प्लस सी एक जगह आ जाएगा और ये माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा डी आ जाएगा। ओके देन जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू ए प्लस सी माइनस आयोटा बी प्लस डी। अब देखो इसको मैंने जो है तो बी और डी को ब्रैकेट में ले लिया, मतलब क्या, और इसको आयोटा को बाहर निकाल दिया कॉमन। अगर आयोटा से बी को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा बी और ये माइनस इनटू प्लस ऑलवेज माइनस दैट इज आयोटा टी। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से ब्रैकेट में पुट करें, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करेंगे, नाउ सी इक्वेशन वन एंड टू बोथ आर इक्वल। अब देखो इक्वेशन वन को देखो ए प्लस सी माइनस यहाँ पे माइनस आयोटा आयोटा इन ब्रैकेट बी प्लस डी बी प्लस डी। ओके तो इस तरीके से इसका हमने जो तो सॉल्यूशन निकाल दिए। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिख रही मुझे, एक मिनट वेट। ये जो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी z2 के ऊपर बार था इसलिए मैं भूल गया था। तो देखिए z1 प्लस z2 ये होल ब्रैकेट का कॉन्जुगेट था और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का कॉन्जुगेट प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का कॉन्जुगेट था, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड लाना था। तो हमने देखिए ये पूरा जो ब्रैकेट है इसके इक्वल में इसका वैल्यू लिखी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और ये वाला पार्ट देखिए इक्वेशन नंबर 2। जब ये और ये सेम रहेगा, जब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर आर इक्वल बोथ आर इक्वल, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी जो है तो इक्वल रहेगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके नेक्स्ट, अब देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, इफ एनी कॉन्जुगेट नंबर, अगर कोई कॉन्जुगेट नंबर है और उसको अगर हमने के से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे आपका एक कॉन्जुगेट नंबर है दैट इज ए प्लस आयोटा बी, अगर हमने इसको के से मल्टीप्लाई करें यानी इसको यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी यहाँ से के से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जेड का वैल्यू ए प्लस आयोटा बी तो उसको हमने के से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, के इंटू ए के प्लस के इंटू आयोटा बी, बस ये मिलेगा बाकी कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज के प्लस आयोटा के बी। ओके बस अब एग्जांपल लेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर एग्जांपल कैसा रहेगा, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ओके अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, सपोज के का वैल्यू हम लेंगे 2, कितना लेंगे 2, तो यहाँ आएगा 2z इक्वल टू 2 टाइम 4 प्लस 3 आयोटा, तो क्या मिलेगा 2 टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 आयोटा। ओके अब अगर हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैसे वो भी बता देता आपको। देखिए ये होगा आपका एग्जांपल नंबर सेकंड, ये होगा 0, इफ आई टेक के इक्वल टू 0 देन के इक्वल टू 0 देन क्या होगा, 0 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 ए प्लस आयोटा बी, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू ए 0, 0 इंटू आयोटा बी 0 आयोटा, दैट इज 0 प्लस 0 0। ओके ठीक है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता सबको क्या कर देता, 0 बना देता। ठीक है अब नेक्स्ट देखेंगे हम सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है तो हम लेंगे z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, नाउ सेकंड वन z दैट इज z1 एंड z2
सी प्लस आयोटा डी. ओके नाउ इफ आई सब्सट्रैक्ट जेड वन माइनस जेड टू, ऑब्वियसली क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, इसको ब्रैकेट में देंगे माइनस सी प्लस आयोटा डी. और क्या हुआ, अब जो है तो हमको ए प्लस आयोटा बी, अभी देखिए माइनस से ब्रैकेट को, ये माइनस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो माइनस सी इंटू माइनस आयोटा डी हो जाएगा. ओके अब ऐसे वक्त पे क्या करेंगे, जो है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कौन से वाले, ये वाले, तो क्या होगा ए माइनस, ये सी को मैं इधर ले लेता हूँ, माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा डी. कुछ नहीं करें, ब्रैकेट ओपन करें, ए एज इट इज है, ये सी को यहाँ लिया, इसकी जगह चेंज कर दिया, इसको यहाँ से उठा के बोल दिए कि इधर चले जाओ, आयोटा बी माइनस आयोटा डी. अब क्या होगा, ए माइनस सी प्लस क्या करेंगे, कॉमन ले लिए किसको, आयोटा को, आयोटा ब्रैकेट बी माइनस डी, देखो आयोटा बी इंटू आयोटा बी, और ये प्लस आयोटा इंटू माइनस डी, दैट इज माइनस आयोटा डी. ओके ये जो है ये इसका पार्ट. ओके तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया. ओके अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी किस तरीके से है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. चलो देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी देखेंगे हम, z माइनस z बार इक्वल टू टू टाइम इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. अब z इक्वल टू हमें पता है a प्लस आयोटा b एंड कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू a माइनस आयोटा b. अब हमको एक प्रूफ किस तरीके से करेंगे, देखिए z माइनस z कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b. ओके तब क्या होगा, ब्रैकेट में ओपन कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद a प्लस आयोटा b माइनस a. अभी देखो ब्रैकेट जब ओपन होगा ना, ये माइनस ए को माइनस करेंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा बी हो जाएगा, राइट. अब इसमें क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस गेट कैंसल, क्या बचा आपका, आयोटा बी यानी कितने बार आयोटा बी, दैट इज आयोटा बी प्लस आयोटा बी, हाउ मच टाइम, टू टाइम, दैट इज टू टाइम्स आयोटा बी, इट मीन्स इट इज टू टाइम्स, दैट इज टू टाइम्स ऑफ, ठीक है. तो ये हमको लाना था, यहाँ पे प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया. ओके इसको क्या पढ़ते हैं हम, टू टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, टू टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब जो हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हमारा, इसके ऊपर जो प्रूफ करना है वो क्या है, वो जेड वन जेड टू का होल का जो तो कॉन्जुगेट लिया है यहाँ पे, और क्या बताना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू. ओके दोनों का जो है तो प्रूफ करना है, जैसे हमने इससे पहले एडिशन में प्रूफ करे थे उसी तरह इसको प्रूफ करना है. अभी देखो इससे पहले मैंने जो है तो जेड वन, ये जो है जेड वन माइनस जेड टू, क्या ये हमने यहाँ पर प्रूफ करे, देखिए जेड वन माइनस जेड टू क्या आया, ए माइनस सी प्लस आयोटा बी इन ब्रैकेट बी माइनस डी, ठीक है. तो हम वो एज इट इज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा डायरेक्टली, तो यहाँ पर आएगा आपका ए माइनस सी माइनस आयोटा इन ब्रैकेट बी माइनस डी इक्वल टू, अब ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट अगर लेना है तो क्या मिलेगा, ए माइनस आयोटा बी अनदर ब्रैकेट ए माइनस आयोटा बी, ठीक है. अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन, ठीक है. ये जो पार्ट है हमने ये यहाँ लिख दिया और ये यहाँ पे लिख दिए. अब हम लेंगे ये वाले पार्ट को स्टार्ट में लिखेंगे, z वन यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वन माइनस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू इक्वल टू a माइनस आयोटा b प्लस माइनस a माइनस आयोटा b. ओके आयोटा 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 इसको यहाँ पे सॉरी c माइनस डी लेना है, यहाँ के लिए हम इसको c माइनस डी कंसिडर करेंगे, c माइनस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी कंसिडर करेंगे. अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है ना,
ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या मिलेगा, ए माइनस आयोटा बी माइनस सी, और माइनस माइनस प्लस होना चाहिए यहाँ पे, ए माइनस आयोटा बी माइनस सी। और यहाँ पे लिखेंगे आयोटा डी। अब क्या करेंगे, हम ए और सी को इधर ले लिए, माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा डी ऐसा है, ए माइनस सी आयोटा को कॉमन ले लेंगे, बी माइनस डी ये होगा आपका इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ए माइनस सी आयोटा बी माइनस डी बी माइनस डी, तो ये जो तो कॉमन होगा, यानी ये वाला पार्ट इक्वल टू हमने ये वाला पार्ट बता दिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।